शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। याद है बचपन में हम दोनों घर से भागकर यहाँ पे खेलने आया करते थे और मैं तुम्हें अपनी साइकिल पे घुमाया करता था और साइकिल तेज चलाकर मुझे डराया भी करते थे लेकिन तुम कहाँ डरती थी, तुम जो मेरे साथ थे। काजल, ये वही जगह है ना जहाँ हम एक बार साइकिल से गिरे थे? तुम्हें तो सब कुछ याद है। उन लम्हों को मैं आज तक नहीं भूल पाया काजल। जब भी बरसात होती है तो इन्हीं पगडंडियों पर मुझे उस साइकिल पे नजर आते हैं। सिर्फ साइकिल की सवारी याद है तुम्हें? नहीं, उसके बाद भी जब बिजली चमकती है। बचपन में हमने यही कई पेड़ लगाए थे ना? हाँ। वो तो कब के सूख गए होंगे। बरसात में लगाई हुई कोई भी चीज नहीं सूखती। वो रहा तुम्हारा पेड़। क्या? अरे मैंने कहा था ना सूखने नहीं दूंगी। वो मेरा पेड़ है ना और ये तुम्हारा। हाँ मेरा। कितने बड़े हो गए ना। इधर आओ। देखो यहाँ से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ। चलो हम तोड़ते हैं। काजल एक पत्थर पास करो। तुम्हारा निशाना अब भी कितना अच्छा है। ये तो तुम्हारे किसका कमाल है। स्वेटर निकालता हूँ, सर्दी लग जाएगी। खुश हूँ। दादाजी ने डिसाइड किया है कि हम इंडिया आएंगे और वहीं हमारी शादी होगी। शादी? हाँ, और हम लोग आज ही फ्लाई आउट कर रहे हैं। I'm dying to see you, baby. Love you. Love you too. Bye, baby. Bye. आरव, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारे दिल में इस बात का एहसास है कि तुमने काजल के साथ गलत किया है, जबकि काजल के लिए तुम्हारे दिल में सिर्फ हमदर्दी और कुछ भी नहीं। आ बैठ। तू मुझे एक सिंपल बात बता। ऐना के लिए तूने काजल को छोड़ दिया, क्या तू काजल के लिए ऐना को छोड़ सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया। काजल के लिए मेरे दिल में जज्बात जरूर है लेकिन ऐना मेरा प्यार है। There you go. इसमें कंफ्यूजन क्या? You're right भैया, काजल को मैं डिवोर्स दे चुका हूं। वो मेरा गुजरा हुआ कल है और ऐना मेरा आने वाला कल, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं। Hi, Anna. Hi, baby. कैसी हो तुम? I missed you so much. I missed you too. Welcome, sir. Thank you. So, ये मेरे बड़े भैया, Dr. Pranav. Hello. Hello. और ये Anna के grandfather. और ये Anna. नमस्ते. नमस्ते. बेटे, तुम्हारे parents नहीं आए?
वो हमारी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, तो शादी होने के बाद मुंह दिखाई की रस्म होगी। अच्छा ठीक है। आरव, I'm so happy to be here। नैना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आरव? सच छुपाने और झूठ कहने के बीच कुछ तो फर्क होता है ना? हाँ, लेकिन तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैंने तुमसे एक सच छुपाया है। मेरी एक दोस्त है काजल, मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी में कोई जगह है? एक पल के लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। एक पल के लिए मैंने भी तुम्हें गलत समझा, फिर सोचा कि डिवोर्स तो तुम मेरे प्यार की खातिर ले रहे हो, मुझसे रहा नहीं क्या? आरव, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, और हमेशा रहूंगा। एक वादा करो, फिर तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी? कभी नहीं, हमेशा ऐसे ही तुम्हारे सीने से लगी रहूंगी। आरव, एक बात कहूं? कहो। मुझे काजल से मिलना है, मिलवाओगे? ऑफ कोर्स। आरव, यूं ही खड़े रहोगे या काजल से इंट्रोड्यूस भी करवाओगे? सॉरी काजल, ये है। और कौन हो सकती है? हाय, आओ बैठो। कम, कैसे हो आरव? एना, मुझे कुछ काम था, तुम काजल से बातें करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके ओके। काजल, हाँ, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो ना। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने तुमसे तुम्हारा आरव छीन लिया है? नहीं आना, जब वो मेरा कभी था ही नहीं तो छीनना कैसा? आरव ने मेरे साथ अपनी जिंदगी का ना कोई गम बांटा है ना कोई खुशी। हमारी शादी दो दिलों का मिलन नहीं, दो परिवारों का समझौता था। आरव ने तो मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। काजल, जब किसी लड़की का घर टूटता है तो हमेशा कोई दूसरी लड़की उसकी जिम्मेदार होती है, और इस गिल्ट के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती कि तुम्हारा घर तोड़कर मैंने अपना घर बसाया। मैं तो उस रिश्ते का दामन थाम कर बैठी रही जो हकीकत में कभी था ही नहीं। काजल, आरव कह रहा था कि तुम्हारी कोई फैक्ट्री है। तुम्हारी जैसी बड़ी फैक्ट्री नहीं, एक छोटी सी फैक्ट्री।